हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं रेडी हो गई हूँ और सारे फैमिली वाले भी रेडी हो गए, और हम जा रहे हैं मंदिर हमारे जो देवता दुखते हैं उनके। तो अभी तक हम शादी के बाद गए नहीं है वहाँ, तो अब आज जा रहे हैं। और ये हमारी गाड़ी धुल के रेडी है, और वहाँ हस्बैंड, मेरी ननद और मेरी सास वो भी रेडी हो रहे हैं। मैं तो रेडी हो गई। तो हमारा प्लान तो सुबह का निकलने का ही था, लेकिन सुबह निकल नहीं पाए और अभी भी रेडी हो ही रहे हैं। अभी 1 बज गए हैं तो भी अभी तक कोई भी इतना मतलब फाइनल रेडी नहीं हुआ है कोई भी। तो अभी फटाफट से निकलते हैं रेडी होके, क्योंकि टाइम लग जाएगा वहाँ भी। रेडी होने लगी थी, अभी रेडी नहीं हुई है। टाइम दिखा देती हूँ मैं आपको, देखो 2 बजने वाले, 1 क्या 2 बजने वाले हैं। तो आज फर्स्ट बार अपनी बाइक की गाड़ी में आगे बैठे हैं चंदा जी, और मैं और मम्मी पीछे बैठे हैं दोनों। तो मैंने सोचा ये वाला जो गढ़ दिख रहा है उसपे मंदिर बना हुआ है, मैंने सोचा वो मंदिर है उसमें जाना है, लेकिन मेरे सास ने कहा नहीं दूसरा मंदिर है। तो हम मंदिर पहुंच चुके हैं, तो रास्ते पे ही बना हुआ है मंदिर, तो ज्यादा पैदल नहीं चलना पड़ा। और हस्बैंड तो आके ही बैठ गए हैं पहले ही। तो ये बना है भैरव बाबा का मंदिर। हमारे यहाँ भैरव बाबा की ज्यादा मान्यता होती है, हर जगह आपको मंदिर मिल जाएगी भैरव जी के। फिर हमने प्रसाद चढ़ाई, नारियल सब चढ़ा के, और यहाँ पे मूंग जो है तेल में भिगो के फिर इन पे चढ़ाए जाते हैं, और तेल भी लेके आए हैं हम। तेल भी यहाँ पे चढ़ाना जरूरी होता है, साथ ही साथ कुमकुम भी चढ़ाना होता है। तो हम परिक्रमा लगा रहे थे तो दोनों आगे पीछे हो रहे थे, तो हस्बैंड ने मेरी ओढ़नी को पकड़ लिया, क्योंकि हमारे यहाँ जो मैं फर्स्ट बार मंदिर में फेरी लगाते हैं तो वो जोड़े से ही लगाई जाती है। फिर मेरी सास ने और चंदा जी ने भी लगाई, और हम वहां से तो निकल गए, दूसरे मंदिर जा रहे हैं। अब पास ही में है वो भी, तो सोचा जब आए हैं तो उसके भी दर्शन कर लेते हैं मंदिर के। और बीच रास्ते में हमें भूख लग गई थी, तो दोनों ने चिप्स और कुरकुरे मंगवा लिए, हमसे नहीं रहा जाएगा भाई ऐसे। तो फिर हम पहुंच चुके हैं मंदिर, हम सब तो उतर गए, लेकिन चंदा जी खाने के चक्कर में अंदर ही रह गए। वो आवाज लगा रहे थे, आवाज नहीं आ रही थी उनकी। मंदिर से हम जैसे निकले तो ट्रेन ने हमारा रास्ता रोक लिया। फिर इसी गांव में कृष्णा जी के चाचा की लड़की रहती है, तो उनके पास भी चले गए, सोचा है तो मिल लेते हैं उनसे भी, थोड़ा सा मिल के बातें बातें करके अब वापस निकल चुके हैं। तो हम जैसे ही यहाँ से निकले तो फिर से एक ट्रेन ने हमारा रास्ता रोक लिया, एक ट्रेन और आ गई, तो थोड़ा लेट और हो जाएंगे। इधर करो मुंह। यहाँ लगा हुआ था मेला, तो दूर से मुझे लगा कि ये कपड़ों का मेला होगा, लेकिन यार ये तो पशु मेला था। यार क्या बताऊं, मैंने सोचा शॉपिंग करके जाऊंगी, लेकिन नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और ये आ गई है मेरी मम्मी, मम्मी आ रही थी मेरे ससुराल, तो हमने सोचा बीच रास्ते से उनको लेके ही चलते हैं। और फिर हमने रुकवा के गाड़ी और पिया फालूदा, सबने एक ग्लास उठा लिया और बड़े मजे से पी रहे हैं। और घर पे आते ही सबसे पहले दोनों समधन आपस में मिल रही, क्योंकि राजस्थान में ऐसे ही मिलते हैं सब। तो ये कल्चर आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। तो यहाँ तक ही मैंने क्लिप ली थी, बाद में तो क्लिप लेना ही भूल गई। रात को खूब सारी बातें करी, लेट तक सोए। फिर आज मम्मी के लिए मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा, क्योंकि आज मम्मी वापस घर जाने वाली है। तो मम्मी अब रवाना हो चुकी है वापस घर के लिए, तो पापा जी को दे रही है जमारी अपने समधी को, क्योंकि जब पीहर वाले होते हैं वो ससुराल वालों को सबको देते हैं। फिर बारी आई अपने जमाई को जमारी देने की, तो ये तो बड़े खुश होके लेते हैं, क्योंकि इनके तो पैसे ही पैसे आने वाले होते हैं।
पैसा ही पैसा होगा और बस तुम्हें कैश करेंगे। फिर मैंने कहा यार मम्मी मुझे भी दे दो, मैं कौन सा तुम्हारी दुश्मन हूँ। तो मम्मी दे तो नहीं रही थी, लेकिन मैंने जबरदस्ती उनसे छीन ली और ये वापस लेने की ट्राई कर रही है। मैंने कहा मैं नहीं दूंगी भाई, मुझे तो कैसे तैसे मिले हैं। मेरी सास और ननद को तो पहले ही दे दिए थे क्योंकि वो चले गए थे, हमारे यहाँ मायरा था उसमें तो हम सब थे यही, तो हमको दिया था। अब तो अब मम्मी रवाना हो रही है बाहर, बेटी हमारा वेट कर रही है कब से ही, बोले चलो लेट हो जाएंगे। तो मेरा तो मन नहीं कर रहा उसको भेजने का, लेकिन वहां तो उसको तो जाना ही पड़ेगा। वो बाहर बैठी हुई है और मेरा वेट कर रही है, बोल रही है कब से चल चल, लेकिन मैं बोल रही हूँ आ रही हूँ थोड़ा सा वीडियो बना लूँ, देखो कैसे खड़ी है बैग लेके। बस स्टैंड पास में ही है, लेकिन हमने सोचा मम्मी को गाड़ी से ही बिठा आएंगे, और गाड़ी में आगे बिठा दिया मम्मी को। मैंने कहा भाई जमाई की गाड़ी में मौका मिल रहा है आगे बैठने का, तो बैठो भाई आगे। यार थोड़ी दूर चलते ही बस भी मिल गई थी, तो बस में ही बिठा दिया। मम्मी बोली इसमें बिठा दो मुझे तो यहीं पे ही, तो मम्मी को तो बैठा दिया है। अब हम दो ही बच्चे हैं, तो हमें दो को ही जाना पड़ेगा वापस घर पे। तो शाम हो गई है और मैं और कृष्णा जी दोनों चल दिए खेत, क्योंकि हमारी गाय वैसे हैं जो खेत में बंधी हुई है, क्योंकि मेरे ससुर की चोट लगी हुई है और मेरी सास है नहीं यहाँ पे, तो हम दोनों को ही जाना पड़ रहा है खेत में, वो भी पैदल जा रहे हैं। सोचा वीडियो भी बना लेंगे वहां जाके, अंधेरा तो ऑलमोस्ट होने वाला ही है लेकिन एक दो रील्स तो बनी जाएगी। और ये रही हमारी गाय वैसे उधर सामने ही खड़ी है, तो सोचा पहले वीडियो ही बना लेते हैं। और यहाँ आके देखो हस्बैंड कितने सुकून से बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे बचपन में ये खेलते थे खूब, मुझे बता रहे थे इनकी स्टोरी। और ये है यहाँ का धोरा, राजस्थान में धोरा होता है ना वो यही होता है। तो ये कुछ येलो कलर के फूल दिखे मुझे, तो सोचा इनके साथ ही वीडियो को एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।